कोरोना संक्रमण की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और सरकार द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज की तिथि में जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हैं, अब उनकी संख्या 1987 बची है, 1987, और इनमें 40,377 लोग अभी आवासित हैं, 40,377। कुल जो लोग इन ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में आवासित हुए अब तक, उनकी संख्या 15,25,095 है, और जो लोग अब तक रिलीव होकर घर चले गए हैं उनकी संख्या 14,84,718 है। तो ये ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर का डिटेल है। कॉल्स अब बहुत कम आ रहे हैं, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आ रहे हैं, लगभग फिगर उतना ही है। 2,39,000 कॉल्स में करीब 31,78,000 लोग सम्मिलित हैं, इतने कॉल्स आए हैं हम लोगों को या मैसेजेस आए हैं। एम्प्लॉयमेंट पर सरकार का लगातार फोकस बना हुआ है। अभी तक लॉकडाउन पीरियड में कुल 4,53,000 से अधिक कुछ स्कीम्स में 6,15,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। मैं अब फ्लाइट्स के बारे में थोड़ा कुछ लोग जानना चाह रहे थे, मुझे कॉल आया था, तो मैं बता दे रहा हूँ फ्लाइट्स का डिटेल। अभी तक 23 फ्लाइट्स, जब दोबारा जब से ये चालू हुआ है फ्लाइट्स आना, 23 फ्लाइट्स आए हैं टोटल, और इनमें पैसेंजर्स की संख्या है टोटल 3,021। बट इसमें कुछ लोग झारखंड के भी थे, जो गया एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स आ रही हैं उसमें कुछ लोग झारखंड के थे। बिहार के जो टोटल लोग आए हैं उनकी संख्या है 2,686। ये 23 फ्लाइट्स के माध्यम से ये लोग आए हैं, और 13 और फ्लाइट्स 24 जून तक के लिए अभी तक शेड्यूल होने की सूचना दी गई है। 24 जून तक 13 और फ्लाइट्स आएंगी और 23 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, और जो आ चुकी हैं उनके माध्यम से अब तक बिहार के 2,686 लोग आए हैं। जो 2,686 आए हैं उनमें से 879 पेड क्वारंटाइन्स में गए हैं, और 1,807 लोग वो सरकारी जो क्वारंटाइन की सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, उसमें रहे हैं। कुल 2,086 इनमें से लोगों का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा हो चुका है, और अभी केवल 600 लोग ऐसे हैं जो क्वारंटाइन में हैं। ट्रेन आज नहीं आ रही है कोई, कल एक ट्रेन शेड्यूल्ड है, वो डिटेल मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा। 1,16,671 सैंपल का जांच किया है, और कुल कोविड 19 पॉजिटिव व्यक्ति जो मिले हैं वो 6,043 है, 6,043। पिछले 24 घंटे में 236 नए मामले सामने आए हैं, वहीं पिछले 24 घंटे में 230 लोग ठीक होकर अपने घर वापस गए। इस प्रकार कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 3,316, और यह जो है संख्या है यह कुल संक्रमित व्यक्तियों का 54.87 है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जितने व्यक्तियों में बिहार राज्य में संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें से 55% लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। जहां तक कोविड 19 पॉजिटिव एक्टिव केसेस का प्रश्न है, उनकी संख्या है 2,691। 3 मई के बाद अपने गृह राज्य लौटे लोगों का जहां तक प्रश्न है, ऐसे कोविड 19 पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या है 4,250, जो कि कुल संक्रमित व्यक्तियों का 70% है। जहां तक मृत्यु का प्रश्न है, पिछले 24 घंटे में एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली है जो जांच के क्रम में कोविड 19 पॉजिटिव भी पाए गए। ये जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं, मदनगंज प्रखंड के, 27 वर्ष के हैं, और इनका ट्रेवल हिस्ट्री है, ये नई दिल्ली से आए थे, और आने के साथ ही इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिस कारण ये अपने गांव नहीं गए थे। इनको हेल्थ क्वारंटीन में रखा गया था, और जांच में कोविड 19 पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद इन्हें ANMCH गया भेजा गया था। जहां तक कंटेनमेंट जोन का प्रश्न है,
अब तक 41 कंटेनमेंट जोन डी नोटिफाई किए जा चुके हैं, 41, और एक्टिव कंटेनमेंट जोन आज के तिथि में है 334, जो विभिन्न जिलों में है।